नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट कोड है पी 202 इंडस्ट्रियल आइजीन एंड हेल्थ क्वेश्चन में आपको ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ इज कोज बाई इनहिलेशन ऑफ डस्ट इन वेरियस फॉर्म्स यानी कि लंग डिसीज़ जो है वो डस्ट की वजह से होता है जो काफ़ी सारे फॉर्म्स के अंदर इंडिलेशन हम लोग करते हैं उसकी वजह से डस्ट जो है वो लंग्स में जाती है इसकी वजह से ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ होता है टेबल सोस टाइप ऑफ डस्ट एंड द लंग डिसीज़ कोज बाय देम जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं मैंने एक टेबल बनाया है उसमें एक साइड में डस्ट और दूसरी साइड में लंग डिसीज़ लिखा हुआ है इसमें कौन सी डस्ट कौन कौन से टाइप की डस्ट से कौन से टाइप का डिसीज हो हो सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वार्ड्स यानी कि सिलिका सिलिका की वजह से सिलिकोसिस नमक डिसीज जो है वो हो सकता है एस्पेस्टोस यानी कि एस्पेस्टोसिस नमक डिसीज़ हो सकता है टोक टोकोसिस मेसोथेलोमा ब्रोंकाइकल कार्सोनीमा कार्सोनिमा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एल्यूमिनियम एंड इट्स ऑक्साइड उसकी वजह से एल्यूमिनियम लंग ऑक्साइड स्मेल्टर्स लंग बेरेम एंड इट्स ऑक्साइड ट्रिचिया ब्रोनचाइटिस निमोन एंड बेरोलोसिस इस टाइप का लंग डिसीज हो सकता है क्रोमियम एंड अल्सरेनिक अल्सरेशन एंड परफोरेशन ऑफ नसल्स स्पुटम ब्रोंकाइल एंड अस्थमा हार्ड मेटल्स यानी कि हार्ड मेटल जो रहता है उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो सकता है इम्यून रिएक्शन हो सकता है आयन एंड आयन ऑक्साइड इसकी वजह से सिंट्रोसिस हो सकता है मोड है स्ट्रो सीरियल एंड बगास उसकी वजह से बीसीनोसिस डिजीज हो सकता है अभी ये लंग डिसीज़ जो है उसको हम लोग कंट्रोल मेज़र कैसे कर सकते हैं तो एक्सपोज़र लिमिट ऑफ डस्ट आर नोन एंड टेक ए प्रिवेंटिव मेजर्स टू कीप डस्ट लेवल विद इन नॉर्मल लिमिट यानी कि एक्सपोजर लिमिट जो डस्ट का रहता है वो आपको जानना है कि ये जो प्रोडक्शन है उसका एक्सपोज़र लिमिट डस्ट का क्या है और उसको कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं तो वो जो है वो एक्सपोजर लिमिट जो है उसको आपको नॉर्मल लिमिट पे लाना है Elimination of dusty process. Substitution by a less toxic or non toxic dust, for example, short blasting in place of sand blasting. Segregation and enclosure of process. Introduces wet methods. Provision of local exhaust ventilation. Thank you, Dosto.